बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने पढ़ना है FS एंड NTFS। फाइल सिस्टम है क्या हमारे पास विंडोज़ की, आप लोग भी सुन लें बेहतर आप लोगों के लिए भी। फाइल सिस्टम है क्या हमारे पास, हमारे पास फाइल सिस्टम किसी भी ड्राइव के आप चेक कर ले, इसके ऊपर राइट क्लिक कर ले, प्रॉपर्टीज़ में है तो मेरे पास यहाँ पर फाइल सिस्टम आएगी NTFS, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और एक हमारे पास आती है, इसमें क्या थी फैट फाइल एलोकेशन टेबल, ये हमारे पास सिस्टम के दो जाके फाइल हैं, ठीक। NTFS और फैट में डिफरेंस क्या है, विंडोज़ 98 तक जाके हम यूज़ करते थे सारे फैट तो जो टू के ऊपर जाके काम करते थे, जो ही हमारे पास XP आई, 7 आया, हमारे पास विंडोज़ 8 आया, विस्टा है, विंडोज़ 10 आया, तो उसमें NTFS। आप लोग कहते हैं कि NTFS में सिक्योरिटी है, फैट में सिक्योरिटी नहीं है, ये किस तरह से, किसी को पता होगा थोड़ा, कभी नाम सुना है NTFS और फैट का? तो फैट ठीक है, फैट यहाँ पे 32 या फैट और NTFS, सुनने में ये भी है कि NTFS में सिक्योरिटी है और फैट में सिक्योरिटी नहीं, किस तरह की सिक्योरिटी है। अगर मैं कुछ जाके ड्राइव में कुछ जगह डेटा रख सकूँ, ड्राइव में कुछ डेटा में कॉपी कर सकूँ, मैं यहाँ पर कोई भी कॉपी यहाँ पर कोई यहाँ पे एक फाइल में से उठा के भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कहाँ पे रखता हूँ इसे, ये मेरे पास M ड्राइव है, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसको सिक्योरिटी कैसे देते हो, कोई भी फोल्डर यहाँ पर जनरेट कर लें, लेके यहाँ पे पर्सन, ठीक, इसको ड्रैग करके यहाँ पे रखिए। अब इसको मैं सिक्योर कैसे कर सकता हूँ, आप आ जाए ड्राइव के ऊपर, कौन सा M था, इसके ऊपर राइट क्लिक कर लें, प्रॉपर्टी चेक कर लें, इसका फाइल सिस्टम क्या है मेरे पास NTFS। NTFS में यहाँ पे हमारे पास देखें सिक्योरिटी का कोई टैब है यहाँ पे, सिक्योरिटी टैब है, यहाँ पे सिक्योरिटी लगा सकते हो, कंप्लीट ड्राइव को लगाना चाहते हो या स्पेसिफिक एक फोल्डर को लगाना चाहते हो, कंप्लीट ड्राइव को या स्पेसिफिक एक फोल्डर को जाकर लगाना चाहते हो। मैं यहाँ पर एडिट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से चेक कर ले, वन बाय वन इन्हें यहाँ पर रिमूव कर ले, जो भी आपके पास यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स थे, यूज़र राइट्स थे, एवरीवन का कोई भी यूज़र था, सबको मैंने रिमूव कर लिया। ये क्या करे, यू हैव डिनाइड ऑल यूज़र्स एक्सेप्ट टू लोकल डिस्क एम, एम डिस्क सारे यूज़र की परमिशन हमने ख़त्म कर दी, ठीक है, सबको डिनाई कर ली, नो वन विल बी एबल टू एक्सेस लोकल डिस्क एम, कोई भी नहीं एक्सेस नहीं कर सकता, एंड ओनली ऑनर विल बी एबल टू चेंज द परमिशन, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव में इस वक्त यहाँ पे पावर यूजर में हूँ। अब इसे यहाँ पे क्या कर लूँ, ये हम क्या करें, डू यू वांट टू कंटिन्यू, अगर मैं इसे कंटिन्यू कर लूँ, इसे यहाँ पे ओके कर लूँ, तो ये ड्राइव आप लोग एक्सेस नहीं कर सकते। अब मैं कर सकता हूँ, कोई और यूज़र हो जाए तो इसे यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता, कोई भी ड्राइव एक्सेस नहीं कर सकता, मैं इन्हें एक्सेस कर सकता हूँ अगर मैं जाके वापस सिक्योरिटी में आऊँ, सिक्योरिटी में आऊँ तो यहाँ पर मेरे पास सिक्योरिटी की टैब है, एडवांस में आ जाए, ठीक है, कंटिन्यू कर लें यहाँ पे, आर यू परमिशन चेंज, कौन सा यूज़र था मेरे पास, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र कौन सा मेरे पास, सीसीए था, यहाँ पे तो नहीं, था एक मिनट, मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ, यूज़र कौन सा मेरे पास, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं था, CCIE के नाम से कुछ मिल रखा था, CCIE के नाम से यूज़र मेरे पास, ठीक है, इसे ओके कर लें यहाँ पे, ओके कर लेंगे, चेक नहीं लगाया मैंने, चेंज परमिशंस, रिप्लेस कर लें सबको यहाँ पे, इसमें जाके परमिशन आप हटा सकते हो और परमिशन आप लगा भी सकते हो। अब जब फेट में ये करोगे तो फेट में ये सिक्योरिटी भी नहीं लगेगी, फेट में ये सिक्योरिटी की टैब भी नहीं होगी, क्योंकि वो फाइल एलोकेशन टेबल है आपके पास, जो भी सिस्टम फाइल रखते हो इसी के बेस के ऊपर जाकर की जाती है। अब लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, बैकअप लेते हैं किसी भी ड्राइव की, किसी भी सिस्टम की, तो बैकअप NTFS में बनती ही नहीं, वो बैकअप जाके बनती ही नहीं, वो बैकअप बनेगी तो सिर्फ किस में, फेट में जाके बनेगी, फेट आपके पास सपोर्टेड है लार्ज डेटा की इमेज की, ठीक है, बड़े डेटा इमेज के लिए वहाँ पर सपोर्ट किया है हमारे पास, फेट ही है हमारे पास,
यहाँ आप सिस्टम में मैंने राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में आ जाता हूँ। टास्क मैनेजर में मेरे पास इन्हें मैं यहाँ पे एंड कर लेता हूँ, साइज को क्लिक करके एंड कर लेते हैं। ठीक, अब इसके ऊपर राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे मेरे पास सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में एडिट कर लेते हैं, एडिट में ऐड कर लेते हैं, कौन सा यूज़र था CCIE के नाम से। ठीक है, ओके कर ले, मैं फुल कंट्रोल ले लेता हूँ, क्या करता हूँ फुल कंट्रोल जाके ले लेता हूँ, कंटिन्यू कर ले, ये मेरे पास ड्राइव ओपन होगी। अब मैं करता कुछ यूँ हूँ कि उसके ऊपर मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में आ जाता हूँ, ठीक, ओके कर लेने, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ में आ जाता हूँ, प्रॉपर्टी नहीं सॉरी, राइट क्लिक करने यहाँ पर मैं फॉर्मेट में आ जाता हूँ। इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ किस में, FAT32 में, देन इसको स्टार्ट करें, क्विक फॉर्मेट कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, वार्निंग, फॉर्मेटिंग विल इरेज ऑल डेटा ऑन द डिस्क, कोई मसला नहीं, इरेज कर देते, इरेज हुआ। अब चेक करते हैं क्या हुआ, मेरे पास राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में है, मेरे पास क्या बना फाइल सिस्टम, फेट बना। अब चेक करते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे सिक्योरिटी की टैब नहीं होगी, कितनी टैब नजर आ रही, कितनी भी नहीं। अब अगर कोई फोल्डर भी यहाँ पे रख ले, कोई फोल्डर भी यहाँ पे रख ले, उसी में भी सिक्योरिटी नहीं दे सकते। मैं कोई भी यहाँ पे फोल्डर यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, कोई भी यहाँ पे फोल्डर कॉपी कर लेता हूँ, कुछ छोटा सा, चलिए ये फाइल उठा लेते हैं, एम ड्राइव के ऊपर आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, कोई फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, वन के नाम से, और इन्हें ड्रैग करके यहाँ फोल्डर में रख लेते हैं। राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, कोई सिक्योरिटी इसमें नहीं होगी सर। हाँ एक मिनट, हाँ अगर मैं इसको यहाँ पे कट करूँ वापस के में रख लूँ, और इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ, क्या करता हूँ वापस फॉर्मेट करके इसे यहाँ पे NTFS में ले आता हूँ, तो राइट क्लिक फॉर्मेट में आ जाए, फॉर्मेट में यहाँ पे इन्हें क्या करें, फाइल सिस्टम NTFS कर ले, स्टार्ट, ओके जी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मेरे पास ड्राइव ऐसी पड़ी हुई, मैं ऐसे जन बता रहा आपको। तो अब क्या करें, मैंने यहाँ से फाइल उठा देनी है वन के नाम से, इन्हें कट कर ले यहाँ से, और एम ड्राइव में ले यहाँ पे पेस्ट कर ले, इसको सिक्योरिटी देना चाहते तो प्रॉपर्टीज़ में आ जाए, प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे सिक्योरिटी में मुझे काम ऐसा करना चाहिए, सिस्टम पर जाके कोई इशू क्रिएट कर लेगा। अच्छा मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, यहाँ से कोई यूज़र है इसको रिमूव, बल्कि एडवांस में आ जाए, एडवांस में जिसके ऊपर काम कर लें, ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन के पास, ओके कर लें, यहाँ पे अप्लाई कर लें। अब यहाँ पे से रिमूव करते हैं, रिमूव परमिशन डिलीट डिसेबलिंग एंटिटीज, रिमूव इनसेस, यहाँ से ने इनहेरिटेंस बिल्कुल इसके हटा दें, जितनी भी चाइल्ड से इसमें क्या फोल्डर है, उसे फोल्डर टू फोल्डर जितने भी डेटा होगा सब के वहाँ पे चाइल्ड पेरेंट के वहाँ पे होगा सब, तमाम इनहेरिटेंस मैंने यहाँ से डिलीट कर ली, रिमूव कर ली। अब ये तेरा फोल्डर बना यहाँ पे, तेरा डेटा तेरे फोल्डर भी जाके कोई एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आप इसे खुद ही राइट्स ना दो, जब तक आप इसे खुद ही राइट्स ना दो। तो मैं ऑफिस के ऊपर राइट क्लिक कर लेता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में आ जाता हूँ, देन यहाँ पे मेरे पास सिक्योरिटी टैब है, सिक्योरिटी टैब एडिट में आ जाए, अब एडिट में आ जाए, ऐड कर लें, ठीक है, यूज़र क्या था मेरे पास CCIE, इसे ओके कर लें, देन यहाँ पे इसको राइट देना चाहते हैं फुल टाइम राइट यहाँ पे। अच्छा इसमें भी कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ यूँ करना चाहता हूँ कि राइट यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ रीड की देता हूँ, किस चीज़ की, रीड की, रीड की दे दी, इसे ओके कर लेते हैं। क्या ये अभी ओपन होगा, क्या हम इसे रीड कर सकते हैं, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं, मैं इन डेटा को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, क्या करता हूँ डिलीट, क्या अब ये सेव होगा उसी नाम से, नहीं, ये जस्ट रीड ओनली में है, किस में, रीड ओनली फॉर्मेट में है, कहाँ से पता चलेगा ये हमें कि जस्ट रीड ओनली फॉर्मेट के पास मौजूद है, यहाँ पे तो मेरे पास रीड ओनली नहीं है, फिर क्यों यहाँ पे चेंज नहीं आ रहा। आप कुछ चीज़ ऐड भी करना चाहते हो, इसकी परमिशन मैंने दी, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, इसको सेव करना चाहता हूँ, अरे किसी और नेम से सेव कर सकते हो, सेम नेम से जाके इन्हें सेव नहीं कर सकते। हाँ
अगर मैं यू कर लूँ कि यहाँ से कहाँ भी, तो फोल्डर के ऊपर मैंने प्रॉपर्टीज लगाई थी, कुछ राइट्स देते हैं, सिक्योरिटी में आते हैं, एडिट कर लेते हैं, मैंने फुल एक्सेस कर लेता हूँ, री राइट चेंज डिलीट सब कुछ कर सकते हो। तो इसको भी मैं यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहता हूँ सेव कर लेता हूँ, सेव हो या नहीं। इसी तरह से आप इन्हें ओपन कर लें, ओपन करने के बाद यहाँ पे आ जाए, इन्हें वापस रिमूव कर लें, सेव कर लें। अब क्या कि ये फाइल डिलीट ना हो, ये फाइल डिलीट ना हो, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आए, सिक्योरिटी में आ जाए, एडिट में यहाँ पे चेक्स हटा लें, जिस रीड के हम लोगों ने की थी रीड कर लेने। क्या अब ये डिलीट होगा? मे भी हो सकता है डिलीट हो जाए, कोई भरोसा नहीं पाकिस्तान का। क्या कह रहे, यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन, यू रिक्वायर परमिशन फ्रॉम या के कंप्यूटर नेम सीसे यूजर है टू मेक चेंज टू दिस फाइल। पहले क्या करना पड़ेगा, जाके इसके परमिशन दे दे, राइट्स दे दे। अच्छा, मैं फोल्डर के ऊपर नहीं करता, मैं यहाँ से राइट्स देता हूँ, क्या डिलीट होगा? फिर यहाँ से राइट्स लगेगा, फोल्डर के ऊपर मैंने राइट्स लगाए थे, अब मैं यहाँ पे सब को अलाउ कर लेता हूँ, ठीक है। फोल्डर के ऊपर मैंने वो किए थे, यहाँ से इसको डिलीट करूँ, डिलीट होगा ओवर, क्योंकि राइट्स मैंने इसको यहाँ पे किए थे, इसके आगे में जाके उसी फाइल को मैंने एक्सेस की, उसके राइट्स को मैंने चेंज कर लिया, उसके राइट्स को मैंने जाके चेंज कर लिया। ये हमारे पास NTFS और फेट की सिक्योरिटी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में ये करेंगे कि NTFS, फेट टू NTFS और NTFS टू फेट थ्रू CMD कर लेते हैं, थ्रू DOS कर लेते हैं, कि वो किस तरह से होगा। ये तो जाके हम लोग जो ही मोड के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, मैनुअली हम लोगों ने काम किए, तो हम लोग फिर जाके DOS के थ्रू इन्हें कर लेते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने जाके काफ़ी है। अस्सलामुअलैकुम।